ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज रफ्तार से देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस दो तीन दिनों में ही दो गुने तीन गुने हो जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको डराने वाली भी हैं, आपके लिए गंभीर भी हैं, आपको चेताने वाली है। लेकिन पहले एक गंभीर खबर, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कोरोना पर महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी प्रदीप व्यास का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक हो सकते हैं 80 लाख केस। जी हाँ, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक 80 लाख केस हो सकते हैं कोरोना के, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के सेक्रेटरी, एक हेल्थ सेक्रेटरी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 1% मौत भी हुई, 1% लोगों की भी अगर डेथ होती है तो 80,000 लोगों की जान जाएगी। और ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला, घबराने वाला दावा है। तीसरी लहर के कमजोर होने के भ्रम में ना रहें, ये कहा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने। और जनवरी के तीसरे हफ्ते में 2 लाख एक्टिव मरीज होने की आशंका है, वो ये भी कह रहे हैं। इससे बड़ी खबर है, मुंबई में 24 घंटे में आए कोरोना के 6,347 नए केस, और महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,170 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में महामारी से 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 10 मंत्री भी संक्रमित हैं और पंकजा मुंडे भी पॉजिटिव हो गई हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या है पॉजिटिव होने वालों की। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार है। सिर्फ 13 दिन में 20 गुना आने लगे हैं नए केस, सिर्फ 13 दिन में 20 गुना बढ़ गए हैं केस। 1 जनवरी को 24 घंटे में 6,347 नए मामले आए हैं। 20 दिसंबर को 24 घंटे में सिर्फ 204 केस आए थे। समझिए आप, 4 दिन में 1,377 से बढ़कर 6,347, लगभग 5,000 केस 4 दिन में बढ़ गए।